जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे 1 EME सेंटर सिकंदराबाद की भर्ती यहाँ पे आ चुकी है, रिलेशन और स्पोर्ट्समैन की भर्ती यहाँ पे आ चुकी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास फुल चार्ट यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, और आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड रिलेशन भर्ती हो या ओपन या स्पोर्ट्समैन की सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड होती है। तो आपसे विनती है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। और अगर आप हमारे वीडियो सेक्शन में आते हो तो आपको पता ही होगा कि RT सेंटर की भी भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर आपने RT सेंटर नासिक की भर्ती का नोटिस और वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लेना भाई, ठीक है। और आपसे एक विनती हम करते हैं कि इस वीडियो में 1000 लाइक कर देना, आपसे विनती है, एक तरह से आपसे रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ 1000 लाइक कर देना, सॉरी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे जैसे कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। नोटिस में लिखा है ऊपर हेडक्वार्टर 1 EME सेंटर सिकंदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो 1 EME सेंटर भोलाराम सिकंदराबाद भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पॉइंट को अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 17 जनवरी 2022 से 27 मार्च 2022 को भर्ती चलेगी, मतलब 17 जनवरी से आपकी भर्ती चलेगी, 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कराया जाएगा भाई, ठीक है। और बात करें यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, कोटेश्वर मंदिर गेट और गेट 4 ट्रेनिंग बटालियन 1 EME सेंटर सिकंदराबाद सुबह 6 बजे 17 जनवरी 2022 को। 17 जनवरी 2022 को सभी ट्रेड वालों को आना है भाई, ठीक है। कौन कौन सी ट्रेड हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो सोल्जर टेक्नीशियन एविएशन और सोल्जर टेक्निकल की जो एज कट ऑफ रहने वाली है 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अक्टूबर 2003 यहाँ पे रखी गई है। और फिर बात करें यहाँ पे सोल्जर ट्रेडमैन सोल्जर GD की, तो 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2003 यहाँ पे रखी गई है। फिर यहाँ पे बात करें ट्रेडमैन की, तो ट्रेडमैन में भी सेम है 1 अक्टूबर 1998 से 1 अक्टूबर 2003 यहाँ पे रखी गई है। अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेड कौन कौन सी होने वाली है, टेक्निकल एविएशन, टेक्निकल सोल्जर GD, सोल्जर ट्रेडमैन की, साथ में आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन की भी भर्ती होगी, साथ में BSC कैडेट्स की भी भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। अब यहाँ पे एक और चार्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 EME सेंटर की है, और कौन कौन से स्पोर्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कायाकिंग, कनोइंग, रोइंग और स्विमिंग और डाइविंग और वॉलीबॉल, ये सभी गेम यहाँ पे होने वाले हैं। और बात करें यहाँ पे आते हो तो आपके पास नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट में आपके पास फर्स्ट सेकंड पोजीशन होनी चाहिए, साथ में जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन आपकी डिस्ट्रिक्ट कॉलेज स्कूल स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड चैंपियनशिप के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए भाई, ठीक है। आपको पता ही चल गया, अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप सीधे वहाँ से जाके मेरी इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना, एम रखते हैं हमने 1000 लाइक का, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद जय भारत।